नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हरितालिका तीज के बारे में कुछ बातें। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2022 में हरितालिका तीज कब है। नोट कर लें, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। तीज के मौके पर जितना सजना सवरना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आप सही तरीके से पूजा अर्चना भी करें, तभी ये व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है। सुहागिन स्त्रियां भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, जिसे तीजा और कई जगहों पर श्रावणी तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी है। आसमान में बादल, पपीहे की पुकार और बारिश की फुहार से खुश होकर लोग सावन मास की शुक्ल तृतीया तीज को हरियाली तीज का लोक पर्व मानते हैं। पूरे उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर उनसे अखंड सौभाग्यवती होने की कामना करती हैं। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा हरितालिका तीज का व्रत और क्या है इसका महत्व। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि 29 अगस्त के दिन दोपहर 3:20 से शुरू हो रही, जो 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि सर्वमान्य तिथि है, इसलिए हरितालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। हरितालिका तीज या तीजा का व्रत रखने वाली सुहागन स्त्रियां 30 अगस्त को सुबह 9:33 से लेकर 11:05 तक पूजा कर सकती हैं। इस दिन शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त 3:49 से 7:23 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा की विधि। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात 16 सिंघार करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में काली बालू मिट्टी से बनी माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की प्रतिमाओं को एक चौकी पर स्थापित करें। अब प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। अब हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। इस दिन शिव पार्वती के साथ गणेश जी की भी पूजा का विशेष महत्व है। थाली में रखें ये चीजें। तीज व्रत की पूजा थाल में आप केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दुर्वा, कलश, घी, कपूर, अक्षत, गंगाजल, पीला वस्त्र और 16 श्रृंगार के समान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इत्यादि अवश्य रखें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफेद चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद शिव पार्वती गणेश जी को भोग लगाएं। मां पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करें। सुबह से भूखी प्यासी रहकर शाम को पुनः स्नान करके स्त्रियां 16 सिंघार करके मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं और कथा सुनती हैं तथा रात भर जागकर जागरण करती हैं। भोर में नित्य क्रिया तथा स्नान करके मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाकर और दान आदि देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने
भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें भादो माह के शुक्ल पक्ष के दिन दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखकर माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। इस व्रत को महिलाएं निराहार और निर्जल रहकर पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत एक बार शुरू कर देने पर इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं तथा सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं खुशियों की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योगपति पाने व शीघ्र विवाह की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योगपति पाने व शीघ्र विवाह की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेंगी उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इस तरह से मनाया जाता है हरतालिका तीज। हरियाली तीज से एक दिन पहले द्वितीया का सिंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिंजारा कहते हैं। इस दिन विवाहित स्त्री के मैके से 16 सिंगार का सामान भेजा जाता है। इसमें कपड़े, सिंगार का सामान, मिठाइयां भेजी जाती हैं। सिंजारे की परंपरा निभाते हुए मैके वाले बेटी को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भेजते हैं। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज व्रत करती हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है उनके ससुराल पक्ष से होने वाली बहू के लिए सुहाग की वस्तुएं भेजी जाती है। सिंजारी की परंपरा खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में निभाई जाती है। हरतालिका की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के ही दिन माता पार्वती ने कठोर तप किया था। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। कहते हैं कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी के इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी उम्र के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। यही कारण है कि इस व्रत को रखने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन को सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। हर नाम श्री शिव जी का है, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा, लेकिन बहुत से लोग हरितालिका भी कहते हैं।